इसे हम इंग्लिश में रेड कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे लाल रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में ऑरेंज कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे नारंगी रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में पिंक कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे गुलाबी रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में ग्रीन कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे हरा रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में ब्लू कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे नीला रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में येलो कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे पीला रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में ब्राउन कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे भूरा रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में पर्पल कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे बैंगनी रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में ब्लैक कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे काला रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में वाइट कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे सफ़ेद रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में ग्रे कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे स्लेटी रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में सिल्वर कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे चांदी रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में बाइक कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे गहरा पीला रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में एप्रिकोट कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे खुबानी रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में बरगंडी कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे बरगंडी रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्रिप्सन कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे गहरा लाल बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में गोल्डन कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे सुनहरा रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में मैरून कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे भूरा लाल रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बेबी ब्लू कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे आसमानी नीला रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में अजर कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे आसमानी नीला रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में नेवी ब्लू कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे गहरा नीला रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में ऑफ वाइट कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे धूमिल सफ़ेद रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में रस्ट कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे जंग रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में मैजेंटा कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे मैजेंटा रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में टर्कुआइज कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे फिरोजा रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में रबी कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे गहरा लाल रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में टेयूब कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे गहरा भूरा रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्ले कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे मिट्टी रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में आइवोरी कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे हाथी दांत रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में मिंट कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे टकसाल रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में अंबर कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे भूरा पीला रंग बोलते हैं। इसे हिंदी में लिलक कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे लिलक रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में ब्रोंज कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे पीतल रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में वॉयलेट कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे बैंगनी रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में सियान कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे हरा नीला रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कोबाल्ट ब्लू कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे गहरा नीला रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में इंडिगो कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे नीला रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में ओचर कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे गेरू रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में मेयू कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे चमकीला गुलाबी रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में वर्मिलियन कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे सिंदूरी रंग बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में सेफ्रोन कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे केसरिया रंग बोलते हैं।
इसे इंग्लिश में पीयूष कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे गहरा भूरा रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में ऑरेंज रेड कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे नारंगी लाल रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में ओलिव कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे जैतून का रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कोरल कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे मूंगा रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में व्हीट कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे गेहुआ रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में मस्टर्ड कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे सरसों रंग बोलते हैं। इसे इंग्लिश में मेटलिक कलर बोलते हैं और हिंदी में इसे धातुमय रंग बोलते हैं।